और जो मैंने मुद्दे गिनाए इन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ने आए थे, इन्हीं मुद्दों पे उन्हें वोट मिला था, उन मुद्दों का जिक्र कर लो, साहस हो तो कर लो, वरना मैदान छोड़ के घर चले जाओ। सुधांशु, हम क्योंकि इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं जनाब, नहीं जाओगे। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे चौकीदारी गई, आप ये मुद्दे उठा रहे हैं क्या? चौकीदारी गई। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अब मैं जवाब देता हूँ। अरे भाई, आप कह रहे हैं साहस, इन मुद्दों को लेकर आप में आने का साहस है क्या? किसी ने सुना कि महागठबंधन ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख वापस लाना, काला धन, पारदर्शिता, काशी क्योटो के लिए गठबंधन बन रहा है? नहीं, सबने कहा सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाने के लिए, सेकुलर ताकतों को एक होने के लिए गठबंधन बन रहा है। और आपके बातों में जरा भी दम होती तो भैया को ये ना कहना पड़ता कि बहना मुझे बचाना, और जब बहना बचाने आई उसके बाद बहना को ना कहना पड़ता कि दूर कोई गाए धुनिए सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे, और उन्हें वायनार न जाना पड़ता। आपकी बातों में दम होती तो बुआ को, बुआ की गोली में बबुआ को बैठने की जरूरत नहीं होती। अरे हम तो इसी में बात करने को तैयार हैं, मगर अफसोस कि ये सारे विषय को उठाने का साहस आपके अंदर ही नहीं है जनाब। और बोफोर्स में मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी जी अटल जी की सरकार के समय में चार्जशीट हुए थे, परंतु चूंकि वह दिवंगत हो चुके थे इसलिए वो ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद आपकी सरकार आई तो पूरे देश ने देखा कि क्वात्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस यूपीए 1 के आखिरी महीनों में अर्जेंटीना में क्वेश किया गया, जहां हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, और फिर सारा पैसा क्वात्रोची के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यह सत्य भी आज 10 साल बाद याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है अखिलेश जी, इसका जवाब दीजिएगा एक बार, दोनों पत्रकार यहाँ पर चुकी मौजूद हैं और एक लंबे वक्त से पॉलिटिक्स को जवाब दे दो, बराबर रुकिए रुकिए रुकिए, बराबर कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, बराबर बराबर, डरिए मत, सुना दीजिए, डरिए मत, 23 तारीख के बाद ये डर खत्म हो जाएगा, डरिए मत, नहीं नहीं, आप इस तरह का तंज में इस पर आपत्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मैं फिर से आपको बता दूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो ये सोच रहे हैं कि टीवी पर बैठकर आप मीडिया पर इस तरह का प्रहार करेंगे, उससे आप बचिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग उसी तरीके से सवाल आपसे भी पूछते हैं, बीजेपी से भी, किसी डर में ना काम किया है, ना कर रहे हैं, ना करेंगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इससे ज्यादा मीडिया की भलाई सोचने का आपको जरूरत नहीं है। आप अपने हक की बात कीजिए, मैं बराबर अपनी बात कीजिए, मैं कोई ऐसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। आपने मेरा नाम पुकारा और कहा बोलिए, तब मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि 2 टर्न उनको आपने दिया, मीडिया के लिए अपनी सहानुभूति की पोटली लेके कहीं और जाइए, यहाँ क्यों नहीं जवाब दीजिए सवाल, क्यों नहीं? सब पे आक्षेप लग सकता है, सबसे असहमति हो सकती है, जवाब दीजिए, तो मीडिया से असहमति क्यों नहीं हो सकती है? टॉपिक मीडिया क्या ब्रह्म है? टॉपिक पे मीडिया क्या ब्रह्म है? टॉपिक पे आइए, सहमति नहीं हो सकती, टॉपिक पे आइए, यही टॉपिक था, ये टॉपिक ही है, आप ही ने टॉपिक लाया मीडिया, टॉपिक टॉपिक, हाँ, तो टॉपिक पे रहा करिए, कोई ब्रह्म नहीं है, दोहा किसी को, हर किसी पे असहमत होने का अधिकार है। मैं ये कह रहा था कि इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, आदरणीय मोदी जी उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़े थे और 5 साल सत्ता में रहे हैं, तो जो सत्ता में है, जिस जिम्मेदारी मिली है, तो जवाबदेही उनकी वही है कि इन पे आप जो वोट मांगे थे उसका हिसाब दें। क्यों नहीं हिसाब देते हो भाई, क्यों नहीं बताते हो? मैं तो वही तो चुनौती कर रहा हूं कि आ जाओ ना इन मुद्दों पे, यहां वहां ईरान तुरान क्यों घूम रहे हो, रोज मुद्दे बदलते हो आप, क्योंकि पता है कि आप डूब रहे हो, डूबता व्यक्ति से तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह आप किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन डूबने से बचता नहीं है, वही हाल आदरणीय मोदी जी आपका है, तमाम तरह के मुद्दे ढूंढते रहिए, जनता मन बना चुकी है, आपने इस देश का सम्मान स्वाभिमान देशवासियों का गिराया है, आपने इस देश को कर्जदार बनाया है, सिर्फ 5 वर्षों में 37 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया, 37 लाख करोड़ रुपए, जो 1947 से 2014 तक मात्र 50,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आपने मात्र 5 सालों में 37 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। ठीक है, अब जो दोनों पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम यहाँ पर जल्दी से जरा सा प्रतिक्रिया ले लें, खाते में डाला है 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।